घर वाले भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। तो शर्म वरम नहीं आती इस चीज में? और यहाँ पर ननद और भाभी की जोड़ी मचा रही है कमाल, और एक्टिवा स्कूटर को ही बना दिया यहाँ पर चलती फिरती दुकान। तो सबसे पहले हेलो मैम। हेलो, कैसे हो मैम? बढ़िया बढ़िया हूँ। तो मैम ये बताइए, अपने पास क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास स्वीट्स रहते हैं, तो आज हमारे पास है फ्रेश फ्रूट पेस्ट्री, ओके, ओके, डबल चॉकलेट ब्राउनी, ओके, और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। ये स्ट्रॉबेरी क्या होता है मैम? ये स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, ये इसके अंदर स्ट्रॉबेरी रहता है और ऊपर से पूरा चॉकलेट, मतलब नॉर्मली स्ट्रॉबेरी को आपने उसके ऊपर चॉकलेट की फिलिंग दे दी है। ओके, पूरा चॉकलेट में डुबो के एक्स्ट्रा चॉकलेट डाल दिया। तो मैम ये आपको आइडिया आया कैसे कि एक्टिवा स्कूटी पे ही आपको ये डिजर्ट्स वगैरह बेचने हैं? हमने एक्चुअली पहले सोचा, बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले बेटर है कि एक बार मार्केट देख ले, इसलिए हमने अभी शुरुआत सिर्फ एक्टिवा से ही कर दी है और हमारा यही इतना चल रहा है कि अब हम कुछ, हमें किसी की जरूरत। और ये आपके साथ में कौन है? ये मेरी ननद है। ये ननद है आपकी? हाँ। तो इनका भी सपोर्ट काफी अच्छा रहता है आपके प्रति? रहता है, इन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया है कि हम लोग यहाँ पे रोड साइड में गाड़ी लगा के चालू करें। ओके, तो घर वाले कुछ कहते नहीं आप रोड किनारे एकदम से एक्टिवा स्कूटी के ऊपर आप ये मतलब काम कर रही है? नहीं, हमारे घर वाले भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। शर्म वरम नहीं आती इस चीज में? तो ये आइडिया आया कैसे आपको मैम? ये थोड़ा सा इंस्पिरेशन हमने शार्क टैंक से लिया था। अच्छा, शार्क टैंक से? हाँ, शार्क टैंक का एक सीजन तो हो ही चुका है और दूसरा तो हम फॉलो कर ही रहे हैं, तो उधर से ही पता चला कि बस शुरुआत हो जानी चाहिए एक बार और आगे का सफर तो फिर होते रहता है। Okay. इसलिए हमने अपनी शुरुआत तो कर ली है इंस्पिरेशन से, अब आगे देखना है। उठा हुआ है स्वीट्स, फ्रेश फ्रूट्स और यहाँ पर काफी तमाम तरीके के यहाँ पर बेकरी वगैरह है। मैम ये बताइए, आप ये आपके पास जितने सारे डिजर्ट्स है ये आप खुद बनाते हो? जी, हम लोग घर पे ही बनाते हैं। और आपने सीखा कहाँ से ये सब बनाना? ये सब बस छोटे मोटे वीडियोस देख के YouTube पे चालू करके ट्रायल। अच्छा, मतलब वहाँ से भी पैसे बचा लिए आपने HM के। अरे, ये पूरा डब्बा अगर लेना होगा इसका प्राइस कितना होगा? ये आप अगर सारा एक पीस लोगे तो 216 का आप सारा एक एक पीस ले सकते हैं। तो पार्सल भी होता है मैम अपने यहाँ पे? हाँ, हमारे यहाँ पे पार्सल भी हो जाता है, कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के। और आप बिल्कुल ये देख भाई, ये देख सकते हो भाई, एकदम निकालने की फीलिंग, बिल्कुल दोनों चम्मच से पकड़ के ये गिर ना जाए ताकि इसकी शेप खराब ना हो जाए, ये भाई बड़े आराम से। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया भाई देख के एकदम से, बहुत बेहतरीन। और ये बिल्कुल दिखने में ही इतना प्यारा लग रहा था, खाने में कैसा लगेगा मुझे तो नहीं पता, बाकी आप समझ ही गए होंगे वीडियो को देख के। फ्रूट पेस्ट्री, फ्रेश फ्रूट पेस्ट्री। और इसको खाने के लिए आना कहाँ होगा? इतवारी सराफा बाजार नागपुर। और टाइमिंग वगैरह क्या रहती है? सैटरडे संडे 8:30 to 10:30। प्राइस? और प्राइस क्या रहेगा इसका? ये 89 rupees। और हमने सुना आप ये खुद बनाते हो? हाँ, ये घर पे बनता है। ओके, पूरा वेज एगलेस, पूरा प्योर वेज एगलेस। हाँ, प्योर वेज।